नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो अब तक कई महिलाएं और नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर चुका है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक शादी विवाह में ढोल बजाने का काम करता है। ये महिलाओं और लड़कियों की अश्लील वीडियो और फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके जैसे एक पेन ड्राइव और उसका मोबाइल जब्त करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना बाड़मेर जिले के समदड़ी इलाके की है। दरअसल बाड़मेर जिले के समदड़ी कस्बे के एक गांव में कुछ महिलाओं और युवतियों के अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने DSP नीरज कुमारी शर्मा और समदड़ी थाना अधिकारी शारदा बिश्नोई को इसके बारे में अवगत करवाया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी जाँच करके एक ढोल बजाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पेन ड्राइव और उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया है, जिसमें कुछ महिलाएं और युवती के अश्लील फोटो और वीडियो मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक मुकेश दमामी पुत्र पारसराम गांव और आसपास के गांव में ढोल बजाने का काम करता है। गांव में घर घर जाकर ढोल बजाने के बीच आरोपी युवक महिलाएं और युवतियों को अपने मोबाइल नंबर देता था और उनके नंबर भी लेता था। उसके बाद फोन पर बातचीत करके उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उनके फोन पर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसे लूटता है। साथ ही उनसे जबरन शारीरिक संबंध भी बनाता है। कुछ महिलाएं और युवतियों के फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। बता दें कि आरोपी मुकेश की गिरफ्तारी के बाद से 7 गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल मुकेश इन 7 गांव में ढोल बजाने का काम करता था। गांव वालों को डर है कि कहीं उसने उनके घर की बेटियों के साथ भी ऐसा ना किया हो। तो बहुत बड़ी खबर से उत्तर आई है राजस्थान से, जहां पर 7 गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ढोल बजाने वाले ने कई लड़कियों और कई महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए हैं और दोस्तों उनके साथ संबंध भी बनाए हैं और उन्हें ब्लैकमेल भी किया है। फिलहाल दोस्तों पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब तक की बड़ी खबर।